आप तमाम तामर के हजरात को इत्तला दी जाती है कि तहरीक अहल सुन्नत वल जमात की तरफ से समर कैंप रखा गया है, जिसमें बच्चों के लिए दीनी तालीम के बुनियाद सिखाए जा रहे हैं। सुबह 10 से जो है जहर 1 बजे तक वक्त रखा गया है। अब तमाम लोग अपने बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे दाखिल कराइए, और बच्चों के लिए स्नैक्स का भी इंतज़ाम किया गया है। बच्चों को बुनियादी बातें बताने से जो है बच्चे को जो है अखलाक में जो है कुछ तब्दीली आएगी और कुछ अच्छी बातें बच्चे सीखेंगे। स्कूल के साथ साथ दीनी माहौल में बच्चों को रखना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि बच्चों को दाखिला दिलाए जामे मस्जिद नायपेट मुशद्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अहल सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद नईपेट तांडूर नज़्द मुर्शद दरगाह गांधी चौक के करीब में जो मस्जिद वाक़ है, यहाँ पर मस्जिद हादा में दीन की बुनियादी तालीमात से आरास्ता किया जा रहा है, जिसमें ज़रूरी अकायद, बुनियादी तालीमात, मस्कार नमाज, सूरतें, अहादीस, दुआएं और नमाज के तरीक़ों के साथ मसाइल भी सिखाए जा रहे हैं। तो तांडूर की आवाम से मैं ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दाखिले जारी है, और ऐसा नहीं है कि सभी हजरात के लिए फ़ीस रखी गई है। जो इस्तेदातमंद है उन्हीं के लिए फ़ीस है, जो गैर इस्तेदातमंद है उनके लिए फ़ीस माफ़ भी की गई है। तो गुजारिश है अवामुन्नास से तांडूर की कि बच्चों की तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए फ़िक्रमंद हो। दुनियावी तालीम के लिए हर मुमकिन तो कोशिश की जा रही है, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन दिलाया जा रहा है, लेकिन बुनियादी तालीमात से लोग नावाकिफ़ है, और जो बच्चे बचपन में सीखते हैं वही ज़िंदगी भर उसी पर कायम रहते हैं। जो बचपन में सिखाया जाता है वो पत्थर पर नक्श की तरह होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। तो इसीलिए हम सब का फरीज़ा है अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को दीन से आरास्ता करें। ये सुनहरा मौका है, इसको जाने न दें। सुबह 10 से जहर तक तालीम के अवकात रखे गए हैं। तालीम का आगाज़ 1 मई से हुआ है और ये 40 दिन तक मुकम्मल रहेगा इंशाल्लाह। इसके आखिर में बच्चों को जो सिखाया गया है, बच्चे प्रोग्राम में जो बच्चों को सिखाया गया है अपना अपना प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जो सीखे हैं वो लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। जलसे में आखिर में उलमाए दीन की अहमियत और दीन की ज़रूरत के मुतालिक प्रोग्राम होगा। सभी हजरात से इसमें हिस्सा लेने की गुजारिश भी की जाती है, और मज़ीद ये कि जहाँ बच्चों की तालीम ज़रूरी है वहाँ बच्चियों की तालीम भी ज़रूरी है। जब बच्चे तालीम सीखते हैं तो दीन घर तक पहुँचता है, जब ख़वातीन इल्म सीखते हैं तो दीन घर में दाखिल होता है। तो गुजारिश है बच्चियों को भी इल्म से आरास्ता करने के लिए नज़्द शाहीपुर नूर मस्जिद के करीब में आखर का मकान है, मकान में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की तालीम का भी प्रोग्राम रखा गया है समर कैंप 40 दिन के लिए। तो मैं ज़िम्मेदार तांडूर के ज़िम्मेदारान से और आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चियों की तालीम के लिए भी फ़िक्रमंद हो, और बच्चियों के लिए भी आलिमा उस्तादीमा का एहतमाम रखा गया है पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ। जिस तरह बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है, इसी तरह बच्चियों की तालीम के लिए भी फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है। तो इस समर कैंप से खूब इस्तेफादा हासिल करें, हिस्सा लें, ताकि हमारे घरों में भी दीन दाखिल हो, हमारी ज़िंदगियों में दीन दाखिल हो। हर बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की दुनिया संवारें, उससे ज़्यादा अहम ज़रूरी ये है कि बच्चों की आखिरत संवारें। दुनिया संवारना तो हर बाप सोचता है, फ़िक्रमंद होता है, लेकिन आखिरत संवारने के लिए तवज्जो नहीं होती। लिहाजा गुजारिश है यही बच्चे जब सीखेंगे पढ़ेंगे वो हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया, दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगे। सभी हजरात से गुजारिश है ये एहतमाम तहरीक अहले सुन्नत व जमात के ज़ेर एहतमाम रखा गया है। आप सभी हजरात से गुजारिश है। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।